नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक सैनी। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिग्नल प्राइवेट मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। इसका नाम तो अब आपने सुन ही लिया होगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। जैसे कि अभी लॉकडाउन में जूम एप्लीकेशन पॉपुलर हो गया था, ऐसे ये अब पॉपुलर हो गया है। और इसकी पॉपुलरिटी का एक कारण है, वो है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। तो शायद आपको पता ही हो गया होगा अब तो व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं वो वीडियो बना चुका हूँ व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहो तो अभी देख सकते हो, नहीं तो आप बाद के लिए बचा कर रख लो, आपको एंड में उसकी लिंक मिल जाएगी तो आप तब देख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो को देखो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, सिग्नल प्राइवेट मैसेजिंग एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है उसके एंड टू एंड एनक्रिप्शन और बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट मैसेजिंग की वजह से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सिक्योरिटी चेकअप भी करा दूंगा एक तरीके से, कि मतलब ये कितना ज़्यादा सिक्योर है व्हाट्सएप से, टेलीग्राम वगैरह से। तो चलो अभी वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, सिग्नल प्राइवेट मैसेजिंग एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर वगैरह दोनों जगह मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो मैंने तो डाउनलोड कर रखा है। इसका जो UI है, मतलब यूज़र इंटरफेस है, वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसके बाद जो भी परमिशन वगैरह मांग रहा है सब अलाउ कर दो। और इसको अलाउ करने में कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन है, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप बिना कुछ सोचे समझे अलाउ कर सकते हो। ये व्हाट्सएप की तरह आपका डेटा को स्टोर नहीं करेगा, और वो ऐसा क्यों नहीं करता वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है आपको। उसके बाद वो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको एंटर करना है, आगे बढ़ेंगे फिर। उसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर एक खास बात है, इसके अंदर आप अपना एक खुद का मतलब पिन को क्रिएट कर सकते हो, जो जिस पिन के डालने के बाद ही आपका एप्लीकेशन ओपन होगा। तो वो पिन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। लास्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो फिल करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो कर दिया। उसके बाद ये देखो कितना सिंपल सा UI है, बस आपको जैसा व्हाट्सएप होता है बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम सिंपल सा है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ पूरा इसका UI कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज़ करना है। तो अब हम इसकी सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं, इसकी सिक्योरिटी के बारे में, इसका अपीयरेंस वगैरह सारी चीज़ों को अब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें SMS और MMS वगैरह टाइप फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, जो कि मतलब इसको ही आप अपना एक डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन को भी बना सकते हो। और इसमें अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो आपको इसमें स्क्रीन लॉक, मतलब जो भी आपका फ़ोन में स्क्रीन लॉक है वो वाला यूज़ कर सकते हो, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस स्क्रीन, सब कुछ यूज़ हो सकता है। कि मेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेन सिक्योरिटी में आता है यहाँ पर आपका स्क्रीन सिक्योरिटी आती है, मतलब आपका जो भी चैट है उसका कोई दूसरा बंदा स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। जैसे कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप में करते हो, कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तो इसमें वो चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपने स्क्रीनशॉट मतलब इनेबल करके रखा है स्क्रीन सिक्योरिटी, तो दूसरा बंदा आपका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता आपने जो भी चैट किया है वो। उसके बाद इसमें आपको इनकॉग्निटो कीबोर्ड भी मिल जाता है, मतलब जो भी आप, कई बार ऐसा होता है ना कीबोर्ड में आप जो भी टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको सेव कर लेता है, तो इससे ये नहीं होगा, जो भी आप टाइप करोगे वो सेव नहीं होगा। और नीचे जाते हो तो कम्युनिकेशन के प्राइवेसी के अंदर आता है कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑलवेज रिलाई कॉल्स, मतलब इसमें आपको आपके नंबर से कॉल नहीं होगा, मतलब आपका IP एड्रेस डिटेक्ट नहीं होगा, वो आप डायरेक्ट सिग्नल के सर्वर से कॉल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है, बस इसमें थोड़ा क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, आपका IP एड्रेस डिटेक्ट नहीं हो पाएगा इससे। रीड रिसीट, जैसा कि व्हाट्सएप में भी होता है रीड रिसीट ऑफ करने का, वो भी मिलता है इसमें आपको ऑप्शन। टाइपिंग इंडिकेटर, ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब जो टाइपिंग का आपका शो होता है ऊपर जब कोई टाइप करता है तो आप वो भी ऑफ कर सकते हो यहाँ से। जनरेट लिंक प्रीव्यूज़, मतलब जैसे कि आप YouTube का कोई वीडियो का लिंक भेजते हो तो अगर आप जनरेट लिंक प्रीव्यू को ऑन करके रखते हो तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन और थंबनेल वगैरह भी दिखने लगेगा, और अगर इसको ऑफ करोगे तो आपका सिंपल लिंक पहुँच जाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ब्लॉक कर सकते हो आप यूज़र्स को, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, हर एक मैसेजिंग एप्लीकेशन में होता है। नीचे आता है आप अपना पिन चेंज कर सकते हो, जो आपने स्टार्टिंग में डाला है पिन रिमाइंडर। इसमें भी आपको व्हाट्सएप की तरह अपीयरेंस सेट करने को मिल जाता है, मतलब थीम सेट कर सकते हो आप, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज भी मिल जाएगी और भी बहुत सी इंडिया की मतलब लैंग्वेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, तो हम तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं चैट और मीडिया। इसमें आप मतलब जैसा कि व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन होता है कि आप मतलब कौन सी मीडिया को मोबाइल डेटा से डाउनलोड करना चाहते हो, ऑटोमेटिक डाउनलोड वाला वो भी इसमें एनेबल कर सकते हो, मतलब जो भी इमेज वीडियो ऑडियो जो भी डाउनलोड करना वो कर सकते हो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। वाईफाई में पूरा कर सकते हो, सेम चीज़ है। फॉन्ट साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो अब हम नीचे बढ़ते हैं और शो इन्विटेशन
मतलब जो बिना सिग्नल वाले हैं, जो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हैं, उनका अलग से शो करेगा ताकि आप उनको वो इनवाइट कर सको। और आगे बढ़ते हैं हम, एंटर की टू सेंड जो कि व्हाट्सएप के अंदर भी होता है, चैट बैकअप, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर जो आप चैट बैकअप करते हो वो किसी सर्वर के अंदर स्टोर्ड होता है और वहाँ से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होता है चैट बैकअप। लेकिन सिग्नल एप्लीकेशन के अंदर बैकअप भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी इसकी हाई लेवल की है, जो कि व्हाट्सएप कभी कर ही नहीं सकता है। और व्हाट्सएप इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको रेवेन्यू कमाना है, उसको पैसा कमाना है, लेकिन ये एक नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है, मतलब इनको कोई पैसा वैसा नहीं कमाना। आप यहाँ सेटिंग्स में इनका देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डोनेट टू सिग्नल। अब डोनेट टू सिग्नल का मतलब है कि जो भी आप एप्लीकेशन, जो भी आप डोनेट कर सको, तो ऐसा काम तो नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन या नॉन प्रॉफिट वाले लोग ही करते हैं, और आप गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हो तो ये नॉन प्रॉफिट है। तो इसी वजह से ये इतना ज़्यादा प्राइवेट क्रिएट किया गया है, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना डेटा को स्टोर करके, क्या करेंगे, उनको बेचना वेचना है नहीं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाया। लेकिन व्हाट्सएप तो ऐसे काम करेगा ना, बेचेगा वगैरह, लेकिन सिग्नल ऐसा नहीं है। तो मतलब सिग्नल व्हाट्सएप तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक फीचर है जो कि व्हाट्सएप के अंदर भी प्रेजेंट है और सिग्नल एप्लीकेशन के अंदर भी प्रेजेंट है, वो है डिसअपेयरिंग मैसेजेस का फीचर्स। लेकिन जो व्हाट्सएप के अंदर डिसअपेयरिंग मैसेज का फीचर है उसका कोई भी यूज़ नहीं है, वो बकवास है लिटरली। 7 दिन के बाद कोई भी मैसेज डिसअपेयर होगा, उसको हमको क्या करना है 7 दिन के बाद। लेकिन आपको सिग्नल के अंदर ऐसा नहीं, सिग्नल के अंदर आप इसमें टाइम सेट कर सकते हो अपना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो, 7 दिन तक पहुंचा सकते हो उसको। लेकिन व्हाट्सएप में तो स्टार्टिंग ही 7 दिन से है, मतलब स्टार्टिंग क्या, स्टार्टिंग और एंड दोनों 7 दिन है, आप सिर्फ 7 दिन ही कर सकते हो डिसअपीयरिंग मैसेज में, तो जिसका कोई मतलब नहीं है, मुझे तो वो नॉनसेंस लगा, कोई मतलब का नहीं है। और बाकी तो पूरा व्हाट्सएप जैसे इंटरफेस है, ऑडियो मतलब आप पूरा मीडिया वगैरह सब भेज सकते हो। ये चैट कलर का ऑप्शन आता है, मतलब आप सारे चैट्स को अलग अलग कलर में करके थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हो। इस टाइप के अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। और एक और ऑप्शन है जिससे आप अपने एंड टू एंड एनक्रिप्शन को चेक कर सकते हो। बाकी इसमें आपको पूरा व्हाट्सएप जैसे फीचर्स मिलते हैं, मतलब न्यू ग्रुप बनाने का, इनवाइट फ्रेंड्स और मार्क ऑल एज रीड वगैरह टाइप के सारे व्हाट्सएप जैसे फीचर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर। तो मतलब अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते ही हो, मतलब सभी करते हैं, तो आप सिग्नल एप्लीकेशन बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। और व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ही मतलब हाई सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन है, इससे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला कोई है नहीं। और इस चीज़ को सिर्फ मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, इलॉन मस्क तो पहले ही बोल चुके हैं इस चीज़ के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एप्लीकेशन है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करो, व्हाट्सएप को बंद कर दो, क्योंकि फेसबुक ने एक तरीके से मोनोपोली सी क्रिएट कर रखी है, तो वो जो चाहता है अपनी मर्जी से करता है। उसको व्हाट्सएप पे ऐड लगाने उस वो लगाएगा और 8 फरवरी के बाद तो आपका अकाउंट बैन, मतलब बंद कर देगा वो व्हाट्सएप। तो मतलब ये तो मोनोपोली वाला काम हो गया ना, तो इसी वजह से ऐसी चीज़ों को भी यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। तो बस यही वीडियो था, मैंने पूरा बता दिया आपको, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकन भी दबा लेने ताकि उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो और सिग्नल एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लो, मैंने आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी है। थैंक यू।